मार दे उन्हें मारो उन्हें मार के और डाल दो हमारे जाग दो के उठावा मत मिलते उठाना ना दे रहे तो कह रहे हैं परवरन तो मरियान तो कोई मत उठावे जाकर हमारी चीज सुनते ना इंसाफ चाहिए हमें सर। हां इस चीज का कार्रवाई बहुत दबंग आदमी है उनकी उनके आगे कोई बोलता ही ना है बोलते ही नहीं हम सब घेरे को जाता तो हम सबको लपेटता ले ले बंदा हमारी लड़की जाते तो उनको मारते सोनू और जानवी ये तो दो ऐसा मान के चलो बर्बादी मान लो ठीक है यही लड़ाई कराते रामदास क्या हुआ था बताओ क्या नाम है मुन्नी देवी मुन्नी जी कहाँ रहती हैं आप गिलौर गिलौर थाना कौन सा है तुम सजाग तो क्या हुआ था बताइए इनमें आपस में लड़ाई भाई भैया भगिन बांट हिस्सा में किस किस में भैया भगिन में मूलचंद रामदास देवेंदर दानवीर किसने किसको मारा इन उनने मारे छोटे छोटे ने बड़े ताई रामदास ने दानवीर ने बड़े भाई को हाँ मारा किसके मतलब किस चीज के लिए इसको मारो कि जो जमीन जायदाद सब हमें मिल जाए अच्छा। और इसकी बेच के इसी को लगाए दें अच्छा हाँ क्या नाम है आपका मेरा नाम भोरे सिंह पाली कहाँ रहते हो आप मैं जी ग्राम मुरसान थाना कौन सा आपका थाना मुजरिया ये कौन है आपके ये सास है हमारी अच्छा फिर क्या हुआ था बताइए भाई साहब इनमें ये हुआ था विवाद क्योंकि थोड़ी सी जगह है इनकी जी ठीक है थोड़ी सी जगह होने के बावजूद इन्होंने बांटा था ठीक है हिस्सा बंटवारा एक बार हो चुका था इनका ठीक है इन्होंने इन्होंने जैसे छोटे वालों ने 5.5 किलो फिर उसके बाद इन्होंने 6 किलो ली ठीक है उसके बाद वो माने नहीं थे जो चचिया ससुर हैं वो नहीं माने थे अच्छा उसके बाद में फिर इनमें एक बार और लड़ाई झगड़ा हुआ था ठीक है फिर भी थाने और यहाँ पर आए थे अस्पताल ठीक है बोलो फिर इसमें आए महेंद्रपाल महेंद्रपाल जी क्या वह मतलब क्या हुआ कैसे क्या हुआ कुछ बताएं सर हमारा हमारे साजे का दलान चौपाल थी चौपाल उसकी हिस्सा बंटवारा था तो हमारे बाप का हिस्सा वो मेट रहे हैं जब कह रहे हैं बड़े का हिस्सा नहीं है और सबका है तो हमने सर ये कहा कि अगर ठीक है तुम 50 आदमियों बैठ के ये कह दो कि हमारे बाप हमारे भैया को हमारी माँ संग लेके आए हम हिस्सा छोड़ देंगे अच्छा हाँ तो वो भी नहीं कह रहे हैं मगर हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं इस बात को हमारे पिताजी को मारा हमारे चाचा को मारा पिछली से मारा लाठियों से लाठियों से पिछली बार हमारे बाप का पिताजी का हाथ टूट गया था जी तो वो हमने प्लस्तर फलस्तर करा के सही करा लिया हाँ वो मारा था तो इसकी थाने में सूचना करी आपने थाने में सूचना गई करके आए हमारी सुनवाई है ना भाई अच्छा हाँ पहले तो रिपोर्ट ना लिखी गई क्या नाम है आपका अतलेसा अतलेसा जी कहाँ रहते हो आप हम है ना गिलौर रहते हैं गिलौर तो क्या हुआ था लड़ाई भई जय दल्लान के पीछे दल्लान के पीछे हाँ हमारे ससुर आपने देखा था हाँ हम तो उन्हें जो देखा हमारे सब जने चले आए हिस्सा पंच बांट रहे हैं अब पंच को बंटवारो ना मानो अब फिर देखो पंच बांटते चाचा हमारे अकेले पर लेकर के दिखावे अपने घर का जाता है इनके घर सबके घटते हैं इनने सबने घेर के लठिया लो हमारे चाचे ऐसे तो कतई उन्हें कहो तो समझो मारी के डाल दो हम सब जने उठाए रहे तो उठाना ना दे उनकी मिट्टी ने उठान दे रही है एक घंटा परे रहे हैं और तो जब पुलिस गई है तब तो पुलिस उठाए के लाई कि जो कोई बड़ो ताई को मर रही है क्या नाम है जॉनी पाल कहाँ रहते हो आप रामपुर में तो ये जो घटना घटित हुई है उस टाइम आप थे नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि जो घटना घटित हुई है सर जो घटना घटित हुई है ठीक है जो चीज़ है वो चीज़ तो देखो उनका हिस्सा है तो उनका हिस्सा दीजिए ना हाँ जब उनका हिस्सा देखो 5 भाई हैं तो 5 जनों का हिस्सा दीजिए ना उसमें हाँ तो जी हमारे एक मामा देखो इनकी शादी नहीं हुई थी ठीक है अब ये लोग ये सोच रहे हैं इनको देखो मार के और हम अपनी अपने कब्जे में वो कर लें जमीन साली अच्छा हाँ तो अब क्या होना चाहिए इसमें? अब क्या होना चाहिए कार्रवाई होना चाहिए सर और क्या होना चाहिए ठीक है ये रास्ता इधर बना रखा है।